नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फाइव पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 26 जून 2023 और आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में व्याख्या सहित चर्चा करेंगे पार्ट नंबर एक के अंदर। सबसे पहले पार्ट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए प्राप्त होगी। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगे इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर एक है जूल, ऑप्शन नंबर दो है वाट, ऑप्शन नंबर तीन है न्यूटन गुणा सेकेंड और ऑप्शन नंबर चार है मीटर बटा सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, वॉट। व्याख्या में बात करें तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है और जूल बटा सेकेंड बराबर वॉट होता है। एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वॉट। दूसरा प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन नंबर एक है खगोलीय इकाई, ऑप्शन नंबर दो है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर तीन है पारसेक, ऑप्शन नंबर चार है किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, पारसेक। व्याख्या में बात करें तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10^16 मीटर। इसी प्रकार से एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर और इसके आगे एक खगोलीय इकाई होती है बराबर 1.495 × 10^11 मीटर और एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के नियम सबसे पहले वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो इसमें हमें बताना है ऑप्शन नंबर एक है केपलर, ऑप्शन नंबर दो है न्यूटन, ऑप्शन नंबर तीन है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर चार है सी वी रमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, न्यूटन। व्याख्या में बात करें तो सन 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीन नियम प्रतिपादित किए। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर एक है विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर दो विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर तीन है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन नंबर चार है चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, विद्युत धारा का। और व्याख्या में बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब और एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर एक है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर दो है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर तीन है संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर चार है एवोगाड्रो परिकल्पना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट है वो कार्य करती है। व्याख्या में बात करें तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग है वो नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना यह किस नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एक गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर दो गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर तीन है गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर चार है उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, गति का तृतीय नियम। व्याख्या में बात करें तो गति का तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही गति का तृतीय नियम है और सर आइजैक न्यूटन के द्वारा यह नियम बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के वजन के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन नंबर एक है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर दो है ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर तीन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर चार है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर एक। व्याख्या में बात करें तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर एक है न्यूनतम, ऑप्शन नंबर दो अधिकतम, ऑप्शन नंबर तीन है थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन नंबर चार है थोड़ा कम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, न्यूनतम। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल से भरे दीपक में बत्ती तक तेल पहुंचता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर एक है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर दो है तेल की निम्न संयांता, ऑप्शन नंबर दो तीन है दाबांतर, ऑप्शन नंबर चार है केशिका क्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर चार, केशिका क्रिया। व्याख्या में बात करें तो केशिका क्रिया है कैपिलरी एक्शन की वजह से तेल से भरे दीपक की बत्ती तक तेल पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान बल जिससे दूध से क्रीम निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर एक है उपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर दो है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर तीन है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर चार है बाह्य बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, अपकेंद्रीय बल जिससे दूध से क्रीम निकाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्या कारण है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है? ऑप्शन नंबर एक है वक्र मोड़ को तेजी से पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर दो है गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ऑप्शन नंबर तीन है साइकिल और आदमी की गति समान करने के लिए, और ऑप्शन नंबर चार है पहियों पर ज़्यादा दबाव डालने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इसी कारण से ये जो साइकिल चलाने वाला है वो मोड़ लेते समय झुकता है। व्याख्या में बात करें तो किसी भी वस्तु को संतुलित अवस्था में बनाए रखने के लिए गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र क्या होता है तो बताएंगे, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। दिए गए प्रश्नानुसार गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बनना चाहिए, अतः साइकिल सवार मोड़ लेते समय झुकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लिफ्ट में व्यक्ति को अपना भार कौन सी अवस्था में शून्य प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर एक है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है, ऑप्शन नंबर दो है जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाती है, ऑप्शन नंबर तीन है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में व्यक्ति को अपना भार है वो शून्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर एक है ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो है केवल विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर तीन है ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर चार है विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। व्याख्या में बात करें तो इसी प्रकार यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुना हो जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु भारहीन हो जाएगी। तो इसके बाद में अगले प्रश्न पर चर्चा करें, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? ऑप्शन नंबर एक है 1/2, ऑप्शन नंबर दो है 1/3, ऑप्शन नंबर तीन है 1/6, ऑप्शन नंबर चार है 1/8 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन 1/6। व्याख्या में बात करें, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन 1/6। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है कि मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं? ऑप्शन नंबर एक है मेघ में पानी होता है, ऑप्शन नंबर दो स्थलीय विकिरण, ऑप्शन नंबर तीन है मेघ काफ़ी ऊपर बनते हैं, ऑप्शन नंबर चार है मेघ ठंडी हवाओं को रोक देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, स्थलीय विकिरण के कारण मेघाच्छादित रातें हैं वो स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने में कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है सोनार, ऑप्शन नंबर दो है रडार, ऑप्शन नंबर तीन है वेंचुरी मीटर, ऑप्शन नंबर चार है बेरोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर एक सोनार, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है। व्याख्या में बात करें तो सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने, डूबे हुए जहाजों वायुयानों को ढूंढने में किया जाता है। फेदोमीटर भी समुद्र की गहराई मापन का यंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर एक है प्लॉन्क, ऑप्शन नंबर दो है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर तीन है न्यूटन, ऑप्शन नंबर चार आर्किमिडीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो आइंस्टीन।